से डिश है, चिकन तंदूरी इन वाइट ग्रेवी। बहुत जबरदस्त रेसिपी है, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रेसिपी। मैं हूँ शगुफ्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई किचन माई डिश। सबसे पहले मैं इसके एक मसाला तैयार कर लेती हूँ जो कि मुझे तंदूरी चिकन की तंदूरी बनाने के लिए लगाना है। तो दही ले ली मैंने, हंग कर्ड लिया है। हंग कर्ड से मतलब कपड़े में लटकाया हुआ दही। दही को मिक्सिंग बोल में डाल दिया। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, होममेड। अब इस सारे मसाले को उस दही के अंदर डाल देंगे जो दही हमने मिक्सिंग बोल में डाली थी। और 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा ऑयल डालेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे इसके अंदर। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस मसाले में, इसलिए हमने इसे मिक्सिंग करने के लिए ऑयल डाला है। दही को हमने घर की जमाई हुई दही को लटका दिया था 10 मिनट तक और उसमें से पानी निकल चुका है। और अब ये 4 टेबल स्पून ऑयल को मैंने 2-2 चम्मच करके डाला है और इसके अंदर मैं फूड कलर डाल दिया है मैंने रेड ऑरेंज, और मिक्स कर दिया है। और 1.5 किलो का एक चिकन लेकर इसके बड़े बड़े पीसेस कटवाए हैं। इन पीसेस के ऊपर मैंने ऐसे कट्स लगा दिए हैं और अब मसाला इन पीसेस के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे कि कट्स के अंदर मसाला अच्छी तरीके से बैठ जाए और इसे मैरिनेट होने रख देंगे। आपकी चॉइस है, रात भर भी रख सकते हैं और 1 घंटे भी रख सकते हैं। तो मसाला सारे पीसेस के ऊपर मसाला लगाकर इसे अलग रख दिया है। आप देख रहे होंगे कि इस मसाले में पानी बिल्कुल नहीं है। तो अब इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। हमने देखे मसाला पूरा ख़त्म हो चुका है जो हमने चिकन में लगाने के लिए लगाया था। अब इसको पकाने की तैयारी करेंगे। ऑयल नहीं, मक्खन हमने यूज़ करना है इसे पकाने के लिए। मैरिनेट किया है हमने 1 घंटे तक। मक्खन हमने 50 ग्राम के करीब डाला है इसके अंदर और इसमें डाल दूंगी मैं ये प्याज, मोटी कटी हुई प्याज है, 2 प्याजों को काट लिया है। ये हम इसकी वाइट ग्रेवी तैयार करने के लिए प्याज हमने सोटे करने डाला है। इसे सिर्फ सोटे करना है। काजू डाल देंगे, करीब 20 से 25 काजू लिए हैं, उसे भी डाल देंगे और इस प्याज के साथ में इस काजू को भी सॉटे कर लेंगे। ऐसे सॉटे करने से ये काजू थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और पेस्ट बनाने में बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनेगा। वाइट पेस्ट बनाना है इसका। हरी मिर्च डाल दी है मैंने, आप चाहें अगर ना पसंद हो तो हरी मिर्च ना डालें, वाइट मिर्च यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हल्का सॉटे किया है, इसमें नमक वगैरह कोई दूसरा मसाला ऐड नहीं किया है, आपने देखा होगा। तो ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, अगर इसका कलर चेंज होगा तो ग्रेवी वाइट नहीं बनेगी। तो इसलिए इसका कलर चेंज होने से पहले प्याज के सॉफ्ट होने तक मैंने इसे मक्खन में तल दिया। तला क्या है, हल्का सोटे किया है। तो ये इसे साइड में रख देंगे, ठंडा होने के बाद इसकी पेस्ट बनाएंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर फिर से 50 ग्राम के जितना हम मक्खन डालेंगे। आप मक्खन अपनी चॉइस के हिसाब से कम भी डाल सकते हैं। मक्खन को पिघला दिया और अब मैरिनेट किए हुए चिकन को इसके अंदर कढ़ाई के अंदर एक ही लेयर में लगा देंगे। मींस ऊपर नीचे करके नहीं लगाना है, पूरे तले में चिकन के पीसेस को लगा देना। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े पीसेस किए हैं। अब इसे पकने देंगे और एक साइड पक जाने के बाद पीसेस को पलटेंगे। मसाला पूरा निकल चुका है, जो मसाला प्याले में लगा हुआ है उसे थोड़ा सा पानी से वॉश करके इसके अंदर डाल देंगे। तो ये पानी चिकन को गलाने में काम आएगा, क्योंकि पानी तो है नहीं, ना ही चिकन को साफ कर दिया गया है, पानी बिल्कुल उसका निथार लिया गया है। दही में से पानी नहीं है, किसी मसाले में पानी नहीं है, तो ये थोड़ा सा पानी ऐड किया है चिकन को गलाने के लिए। तो अब इसे चिकन को पकने देंगे। जब तक चिकन पकती है तब तक हम इधर ये मसाले की पेस्ट बना लेते हैं। जो प्याज, काजू और हरी मिर्च को सोटे किया था उसके अंदर थोड़ा दही ऐड करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार होता है जब इसके अंदर पानी निकाला हुआ दही डालते हैं और लहसुन डाल देंगे इसके अंदर। ग्रेवी में भी थोड़ा लहसुन आना चाहिए। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया।
और अब ये देखिए व्हाइट पेस्ट बन के तैयार हो गया है। व्हाइट पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, तब तक चिकन को चेक कर लेते हैं। अब चिकन एक साइड से पक चुकी है, तो इस चिकन के पीसेस को पलट देंगे। और अब पलटने के बाद इसका पानी और थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, जो हमने थोड़ा सा पानी डाला था वो पानी, और चिकन का अपना अंदर के जूसेस, ये इन्हें हम ढक के 15 मिनट तक स्लो आंच पर पकाएंगे। और उसके बाद इसका पानी सुखाकर इसे हम स्मोक करेंगे। तब तक हमने दूसरा पैन ले लिया है, दूसरे पैन में हमने डाल दिया ऑयल और इसका व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। तो जो मसाला हमने व्हाइट मसाला पीस के तैयार किया था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। टेबल स्पून से मतलब होता है 15 ml, 15 ml। तो अब इस ऑयल के अंदर, इस तेल के अंदर इस मसाले को भूनेंगे, और भूनते टाइम पे आंच को बिल्कुल लो और मीडियम पे रखना है, बिल्कुल भी आंच को हाई नहीं करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चलाएंगे, इस तरीके से चलाएंगे कि मसाला नीचे लगे नहीं, लम्स ना पड़े। और इसके अंदर 1 कप दही और डाल देंगे। ये दही भी लटका के पानी निकाली हुई दही है, तो इसे भी डाल देंगे इसके अंदर। मतलब पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रेवी के अंदर, और ग्रेवी बहुत ही थिक सी बननी चाहिए और बहुत ही रिच सी बननी चाहिए, टेक्सचर एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो ये इसके अंदर आप थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। कुटी हुई काली मिर्च इसलिए ऐड किया है कि मसाले का कलर, ग्रेवी का कलर चेंज ना हो। अगर पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे तो ग्रेवी का कलर वाइट से थोड़ा चेंज हो जाएगा। कलर हमें वाइट रखना है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप वाइट मिर्ची, सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं इसके अंदर, काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च की जगह पे। वैसे कुटी हुई काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। अब इसे ढक के 10 मिनट तक बिल्कुल लो आंच पे कुक करेंगे। अब ये देखिए चिकन गल चुकी है। अब इसे खुला रख के हम थोड़ा थोड़ा चलाते हुए पकाएंगे कि पानी उसका सूख जाए अच्छी तरीके से। पानी सूखने के बाद हम इसे स्मोक कर लेंगे चिकन को, और वो ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है उधर। तो ये 10 मिनट तक ग्रेवी को बिल्कुल स्लो कुक किया है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते ये बबल्स उठ रहे हैं। नमक ऐड किया टेस्ट के हिसाब से, स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया। मिक्स करेंगे नमक को और फिर से बिल्कुल लो आंच के ऊपर ही कुक करते हुए इसे ढक देंगे, ताकि नमक भी अच्छी तरीके से ग्रेवी के अंदर रच बस जाए। अब वो चिकन के पीसेस, बिल्कुल पानी सूख चुका है, तो उसे इस तरीके से गैस की ग्रिल के ऊपर, मतलब वो हैंडल वाली ग्रिल जो होती है उसके ऊपर रख के हम इसे डायरेक्ट आंच के ऊपर स्मोक कर लेंगे इस तरीके से। और इसके अंदर ज़बरदस्त तंदूरी का फ्लेवर आएगा। जब आप इसे बनाएंगे तो ये देखने वाले को ये बिल्कुल नहीं लगेगा, खाने वाले को बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कोयले के ऊपर नहीं पका है। पीसेस को अच्छी तरीके से स्मोक कर लिया डायरेक्ट आंच के ऊपर, और अब इन पीसेस को इस वाइट सॉस को जो हमने तैयार किया है उसके अंदर डाल देंगे। तो ये तंदूरी इन वाइट ग्रेवी बहुत ज़बरदस्ती तैयार होती है। आप इसे पराठे, चपाती और या फिर राइस के साथ में सर्व कर सकते हैं। हम इसे नान के साथ में सर्व करने जा रहे हैं, आप भी नान के साथ में सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही स्पेशल डिनर या लंच कभी भी आप इसे बना सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में या किसी ढाबे पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कंफर्टेबली आपके घर के किचन में ये बड़े आराम से बन के तैयार होने वाला है, और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाने वाले हैं, क्योंकि इस तंदूरी और इस वाइट ग्रेवी का जवाब नहीं। हमने इसे सर्विंग के लिए निकाल दिया है, और इसे हम अपनी मनचाही गार्निशिंग करेंगे। हमारी मनचाही गार्निशिंग है वही टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया। इसके ऊपर से डालेंगे 100 ग्राम मक्खन को पिघला के इसके ऊपर से डाल देंगे, और ये जबरदस्त सा क्रीमी सा एकदम ग्रेवी तैयार होने वाली है और हो चुकी है तैयार। और मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ अपने घर में। आप भी इसे बनाइएगा, मजा लीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, खुश रहिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक
टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय बाय.